Okay, in this lecture we will see the more concepts of directivity. In last lecture you saw the concept of directivity. So what is directivity? Directivity actually defines the directional nature of the antenna in particular direction. पहले figure को देखिए. पहले figure में दो दो radiation pattern है. ये जो circle है ये किसका रेडिएशन पैटर्न है? आइसोट्रॉपिक रेडिएटर का. ये जो रेड कलर का है ये किसका है? टेस्ट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है. बेसिकली इस फिगर में हमने दो रेडिएशन पैटर्न को क्या किया, कंपेयर किया है, लेकिन किस डायरेक्शन पे? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डायरेक्शन पे कंपेयर किया है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 10 dB, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 dB, तो ये कितना आगे होगा? 4 dB. तो आपने बेसिकली क्या किया, 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4 dB. फिर मैंने आई क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि मैं इसको आइसोट्रॉपिक रेडिएटर से कंपेयर कर रहा हूँ. तो 10 dB मतलब लॉग ए, 6 dB मतलब लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग ए बाई बी. मतलब पक्की बात है डायरेक्टिविटी किन्हीं ना किन्हीं दो चीज़ का रेशियो है. इस केस में देखिए किसका किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, डाइपोल एंटीना का और अपने टेस्ट एंटीना का कंपैरिजन कर रहे हैं, रेडिएशन पैटर्न का कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन पे? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डायरेक्शन पे. तो चलिए आपको कुछ ऐसा याद आया होगा कि डायरेक्टिविटी में तीन चीज़ रिक्वायर्ड हैं, पहला रेफरेंस एंटीना, दूसरा टेस्ट एंटीना और तीसरा डायरेक्शन. तो डायरेक्टिविटी को डिफाइन करते हैं कि डायरेक्टिविटी इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना टू रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखिए डेफिनेशन में भी तीनों चीज़ों को मेंशन कर दिया. देखिए टेस्ट एंटीना भी मेंशन कर दिया, रेफरेंस एंटीना भी मेंशन कर दिया और डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया. तो व्हाट इज़ रेडिएशन इंटेंसिटी? रिकॉल इट कि एक सॉलिड एंगल से निकलने वाली पावर को क्या बोलते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी बोलते हैं. तो और मॉडिफाइड डेफिनेशन कैसे बोलते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी की? रेडिएशन इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन द गिवन डायरेक्शन. तो आप मेरा रेडिएशन इंटेंसिटी का लेक्चर देख लेना. ये एरिया से निकलने वाली की पावर को क्या बोलते हैं, रेडिएशन डेंसिटी या कि पावर डेंसिटी बोलते हैं. तो क्या मैथमेटिकल इक्वेशन इसका डायरेक्टिविटी का ऐसा लिख सकता हूँ, डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू यू टेस्ट ओवर यू आइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि आइसोट्रॉपिक मैंने क्या लिया था, रेफरेंस एंटीना लिया था. तो यू थीटा फाई, अच्छा थीटा फाई क्यों लिख दिया, क्यों? क्योंकि रेडिएशन इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. इसी तरीके से इसको लिखा था. फाइनली हमने ये इक्वेशन डेराइव की थी. तो इस इक्वेशन से क्या समझ में आता है, इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि डायरेक्टिविटी भी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है. ये आपने फिगर में देखा होगा. चलिए थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आप देखिए कि ये मैंने एक एंटीना लिया है, ये रेफरेंस एंटीना. देखिए इसमें सोच के देखिए, रेफरेंस एंटीना कौन सा है? आइसोट्रॉपिक रेडिएटर. क्यों आइसोट्रॉपिक रेडिएटर? क्योंकि इसका पैटर्न कैसा है, सर्कुलर है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, आइसोट्रॉपिक रेडिएटर बोल रहा हूँ. अच्छा ये मेरा टेस्ट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है. तो अब मुझे डायरेक्टिविटी निकालनी है. तो ये जो बीम है कहाँ, किस प्लेन पे है? एक्स वाई प्लेन पे है. एक्स वाई प्लेन पे है तो थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं, जेड एक्सिस से. तो ये जो बीम है जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री. एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री. अच्छा मैं थीटा और फाई ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्शन रिक्वायर्ड है. रेडिएशन पैटर्न आइसोट्रॉपिक का भी मिल गया, टेस्ट एंटीना का भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई. तो देखिए रेफरेंस एंटीना क्या लिया, आइसोट्रॉपिक. कितना आगे है, 2 dB. 2 dB के बाद आई क्यों मैंने लिखा, क्योंकि मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, आइसोट्रॉपिक रेडिएटर से. डायरेक्शन क्या होगी, थीटा 90, फाई 45. चलिए इसको देखिए आप, ये किसका रेडिएशन पैटर्न है, डाइपोल एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है. ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो किसका है, टेस्ट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है.
तो इसने, मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि फाइंड द डायरेक्टिविटी। तो देखिए इस एंगल पे, ये देखिए जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये बीम, 45 डिग्री। मैं एंगल निकालने में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्शन चाहिए। फाई कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बीम कौन से प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे है। चलिए ठीक है, कितना आगे है, 3 dB। तो मैं क्या लिखूँगा, 3 dB d। d क्यों लिखा, क्योंकि मैं डाइपोल के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो देखिए क्या तीनों चीज़ प्रेजेंट है, रेफरेंस एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है, टेस्ट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है, और डायरेक्शन भी मेंशन है। चलिए इस फिगर को देखिए, ये किसका, ये ब्लू कलर का जो रेडिएशन पैटर्न बना वो किसका है, डाइपोल का। एक दूसरा एक एंटीना है बाई डायरेक्शनल एंटीना, उसका रेडिएशन पैटर्न है ये। कंपेरिजन किसके साथ कर रहा हूँ, डाइपोल के साथ कर रहा हूँ। रेफरेंस एंटीना कौन सा है, डाइपोल है। किस डायरेक्शन पे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डायरेक्शन पे। सपोज दैट ये 4 dB है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 4 dB d। चलिए और आगे देखते हैं, ये मान लीजिए ये एक रेफरेंस एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है। रेफरेंस एंटीना कौन सा, अपना हॉर्न एंटीना। ये मेरा एक टेस्ट एंटीना है, उसका रेडिएशन पैटर्न। डायरेक्शन मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू कितना, 45 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर कितना आगे है ये, 4 dB। तो मैं क्या लिखूँगा, 4 dB h। h क्यों लिखा, क्योंकि मैं हॉर्न एंटीना से कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन किस डायरेक्शन पे, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री की डायरेक्शन पे। तो देखा आपने कि डायरेक्टिविटी कहीं ना कहीं डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो अच्छा, यदि मैं इसी क्वेश्चन में पूछता कि थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री डायरेक्शन पे कौन ज़्यादा डायरेक्शनल है, तो ऑब्वियसली आप बोलते कि यार रेफरेंस एंटीना ज़्यादा डायरेक्शनल है एज़ कम्पेयर टू योर टेस्ट एंटीना। अब ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए कभी ऐसा भी आए कि आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो क्या किया जाए। जैसे जब कभी भी डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, तो हम हमेशा डायरेक्टिविटी किस डायरेक्शन पे कैलकुलेट करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इधर देखिए, ये किसका रेडिएशन पैटर्न है, ये आइसोट्रॉपिक रेडिएशन का, आइसोट्रॉपिक रेडिएटर का रेडिएशन पैटर्न है, ये हमारे टेस्ट एंटीना का रेडिएशन पैटर्न है। डायरेक्शन कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आप सोच के देखिए कि किस किस डायरेक्शन पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, इस पॉइंट पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मैं डायरेक्टिविटी यहाँ पर निकालूंगा। यहाँ पे क्यों निकालूंगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक रेडिएशन पैटर्न ऐसा है कि ये किसका रेडिएशन पैटर्न है, ब्लू वाला डाइपोल का, और ये किसका रेडिएशन पैटर्न है, टेस्ट एंटीना का। इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो अब मेरा सवाल यह है कि किस डायरेक्शन पे डायरेक्टिविटी निकालेंगे, जिस डायरेक्शन पे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है। अब सोचिए मैक्सिमम रेडिएशन तो इधर हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे दूंगा मैं, थीटा इक्वल्स टू क्या बोलूँगा, 90 डिग्री डायरेक्शन पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टिविटी को निकालूंगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखिए कि डब्ल्यू रेडिएटेड इज इक्वल टू ए आर कैप ए नॉट साइन थीटा बाई आर स्क्वायर डब्ल्यू बाई वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन से क्या क्या चीज़ें आप सोच सकते हो, ये देखिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर मतलब ये बात तो पक्की है कि ये रेडिएशन डेंसिटी है या कि पावर डेंसिटी है। ए आर का मतलब क्या है, कि मतलब पावर किस डायरेक्शन पे रेडिएट हो रही है, रेडियल डायरेक्शन पे रेडिएट हो रही है। तो ये इस इक्वेशन से मैंने दो चीज़ें निकाल ली अपनी थिंकिंग से। इसने बोला फाइंड द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी, तो चलिए एक बार फिर से याद करिए कि रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती थी, एक सॉलिड एंगल से निकलने वाली पावर को क्या बोलते थे, रेडिएशन इंटेंसिटी। सरफेस एरिया से निकलने वाली पावर को, एक यूनिट सरफेस एरिया से निकलने वाली पावर को क्या बोलते थे, पावर डेंसिटी। तो क्या क्या पावर डेंसिटी और रेडिएशन इंटेंसिटी में कोई रिलेशन होता, बिल्कुल होता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में रेडिएशन इंटेंसिटी के लेक्चर में ये इक्वेशन डेराइव भी की है। तो देखिए डब्ल्यू रेडिएटेड की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए,
ए नॉट साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ए नॉट साइन थीटा। इस इक्वेशन को एनालाइज करिए, क्या रेडिएशन इंटेंसिटी थीटा पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। तो क्या रेडिएशन इंटेंसिटी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। तो आप याद करिए, रेडिएशन इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? रेडिएशन इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, एक सॉलिड एंगल से निकलने वाली पावर इन द गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन वहाँ पे भी मेंशन थी। तो चलिए इसको मैं रफली प्लॉट करता हूँ। ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। आप सोच के देखिए, थीटा जीरो पुट करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब थीटा कहाँ से मेज़र करते हैं? जेड एक्सिस से। थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। मतलब ये कर्व कुछ ऐसा होगा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन थीटा का रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्टिविटी का डेफिनेशन रिकॉल करिए। डायरेक्टिविटी के डेफिनेशन में क्या क्या था? कि डायरेक्टिविटी इज़ द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना टू रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस एंटीना इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये इक्वेशन अपने पिछले लेक्चर में डराइव की है। अच्छा, यू कितना दिया हुआ? पिछले पेज में देखे, यू कितना दिया था? ए साइन थीटा दिया हुआ था इंटू 4π/p रेडिएटेड। तो क्या पिछले क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन थी? आंसर इज नो। तो जब डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो हम क्या निकालते हैं? मैक्सिमम डायरेक्टिविटी को निकालते हैं। डी मैक्स इज इक्वल टू डी नॉट इज इक्वल टू, आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, मैक्सिमम रेडिएशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है? मैक्सिमम रेडिएशन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डायरेक्शन पे हो रहा है। और मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि जब डायरेक्शन मेंशन नहीं हो तो हम डायरेक्टिविटी मैक्सिमम रेडिएशन की डायरेक्शन पे निकालते हैं। तो मैक्सिमम रेडिएशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डायरेक्शन पे। तो हम क्या कर देंगे, इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, साइन थीटा 90 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? थीटा वन, साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो ए नॉट इंटू 4π/p रेडिएटेड, यही मैक्सिमम डायरेक्टिविटी होगी। अच्छा, मैक्सिमम डायरेक्टिविटी के इक्वेशन में देखिए क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। ए नॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4π से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पी रेडिएटेड से प्रॉब्लम है। तो देखिए ये रेडिएटेड पावर कैसे निकालते हैं। याद करिए कि रेडिएशन इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है। रेडिएशन इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो डी पी इज इक्वल टू, मैं क्या यू डी ओम लिख सकता हूँ? तो पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी ओम लिख सकता हूँ, और डी ओम की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि यू डी ओम डबल इंटीग्रेशन क्यों किया? क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0 से π। फाई कहाँ से वेरी करता है? 0 से 2π। यू की वैल्यू क्या है? ए साइन थीटा, ए नॉट साइन थीटा रख दिया, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यदि फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ पे 2π इंटू ए नॉट, ये साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ए नॉट इंटू 2π, 0 2π। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 cos 2θ / 2dθ। तो मुझे क्या मिल गया? ए नॉट इंटू 2π/π/2, ये पी रेडिएटेड मिल गया। यहाँ पे रख दीजिए, ये रख दिया तो मुझे क्या मिला? 4π/π। तो ये क्या मिला? मैक्सिमम वैल्यू मिला। अच्छा देखिए, ए नॉट इंटू 4π/p रेडिएटेड की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 1.27। तो क्या इस इक्वेशन में ए नॉट इंटू 4π/p रेडिएटेड की जगह 1.27 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, और इसी को डी नॉट बोला था। तो ये क्या हो गया? 1.27 इंटू साइन थीटा, यानी डी नॉट इंटू साइन थीटा मिलेगा। अच्छा, यहाँ से देखिए इस इक्वेशन को, क्या डायरेक्टिविटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है? थीटा पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलता हूँ, क्या डायरेक्टिविटी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। तो चलिए थोड़ा सा और इसको और देखते हैं। तो आपने क्या देखा कि डायरेक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट है, डी नॉट इंटू साइन थीटा। तो अच्छा चलिए,
थीटा इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू जीरो। अच्छा ये कौन सा प्लेन है पहले तो देखिए, वाई जेड प्लेन है। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई कहाँ से मेज़र करते हैं, एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। थीटा जीरो पे वैल्यू जीरो मिलेगी। थीटा 45 डिग्री पे क्या मिलेगी, डी नॉट इंटू साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। थीटा 90 पे क्या होगा, डी नॉट इंटू साइन 90, मतलब डी नॉट मिलेगा। एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या मिला, 0। 45 डिग्री पे क्या मिला, डी नॉट बाई रूट टू। और 90 डिग्री पे क्या मिला, डी नॉट। अच्छा यहाँ पे फाई की वैल्यू 90 डिग्री क्यों रखा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। और ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। यहाँ जीरो रखा, डी नॉट की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला था पिछले पेज में, 1.27। ये देखिए तो 1.27/√2 इतना आया डी नॉट, यहाँ पे डी नॉट ही आ गया, तो यहाँ 1.27। तो इस ओवरऑल पिक्चर में आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टिविटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। देखो 0 डिग्री डायरेक्शन पे 0 मिला, 45 डिग्री डायरेक्शन पे 0.89 मिला, 90 डिग्री डायरेक्शन पे 1.27 मिला। मतलब कि डायरेक्टिविटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो कंक्लूज़न क्या निकला, कि कंक्लूज़न ये निकला कि डायरेक्टिविटी में तीन चीज़ रिक्वायर, रेफरेंस एंटीना, टेस्ट एंटीना और डायरेक्शन। दूसरी चीज़ डायरेक्टिविटी क्या होती है, इट डिफाइंस द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीना इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, रेडिएशन इंटेंसिटी, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। रेडिएशन डेंसिटी क्या होती है, या पावर डेंसिटी, पावर यूनिट एरिया से निकलने वाले पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर डेंसिटी बोलते हैं। रेडिएशन इंटेंसिटी डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट होती है, तो डी मतलब डायरेक्टिविटी भी किस पे डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंट होती है। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच।